नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल यूनिक गार्डन गार्डन। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो इस खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में फूलों की भरमार हमेशा बनी रहे, जितनी गर्मी पड़ेगी ये प्लांट आपको भरपूर फ्लावरिंग देता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्लांट की यही खूबी लोगों को अपने तरफ बरबस अट्रैक्ट करती रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये मैक्सिकन पिटूनिया है। जैसे जैसे गर्मी आपके यहाँ बढ़ेगी, बारिश आएगी, उसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग आपको देखने को मिलती है। सबसे बड़ी खासियत इस प्लांट की है कि इस प्लांट में फूल बंचों में आते हैं। ढेर सारे फूल जब एक साथ खिलते हैं तो इस प्लांट की खूबसूरती देखने लायक होती है। इसमें कई वैरायटी, अगर आप चाहते हैं कलर की वैरायटी चूज करना, तो इसमें दो तीन कलर बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाते हैं। जहाँ तक बात है इस प्लांट की सॉइल मीडिया की, तो ये बहुत ही रफ्ड अप प्लांट है। यदि कोई गार्डनिंग नया शुरू कर रहा है, तुरंत शुरू कर रहा है, वो चाहता है कि कुछ ऐसे प्लांट हमारे पास हों जिनकी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़े, तो ये प्लांट उनके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। इसकी प्लांट की खूबसूरती, अन्य फ्लावरिंग प्लांट जब आपके फ्लावर देना बंद कर देते हैं तो भी इसमें बराबर फ्लावरिंग होती रहती है। यह बहुत ही रफ्ड अप प्लांट है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। कम पानी दीजिए और कम खाद। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसको बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है और न ही ज़्यादा बहुत पानी की ज़रूरत होती है। ये धीरे धीरे करके एक बार फ्लावरिंग करेंगे, दो बार फ्लावरिंग करेंगे, बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये रुक जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। दो तीन कलर के प्लांट यदि आप अपने यहाँ ले आएँ और उसको एक पॉट में लगा दें अलग अलग, तो देखेंगे कि आप उसमें दो तीन कलर के प्लांट जब खिलेंगे आपको, तो बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। इस प्लांट को लगाइए और भूल जाइए, ये कहावत इस प्लांट के ऊपर बहुत सूट करती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लांट की आपको विशेष केयर की ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ जो भी नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसमें नॉर्मल फर्टिलाइज़र आप ऐड करिए, जैसे आप अन्य प्लांटों के लिए करते हैं, बस इतना ही इसके लिए काफ़ी होता है। ये ठंड के मौसम तक, शुरुआत तक में ये बाकायदा चलता जाएगा, आपको कोई विशेष केयर की ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी। जल्दी ही यह आपका पॉट को पूरी तरह से भर देगा, जिससे आपका पॉट भी देखने में घना होगा और उसमें ढेर सारी कलियाँ बराबर निकलती रहती हैं। इसके फूल 1 से 1.5 दिन तक टिकते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद नई नई कलियाँ आती हैं और उसमें फ्लावरिंग होने लगती है। यही प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यदि आप गार्डनिंग में नए हैं तो आप इस प्लांट को अवश्य अपने यहाँ ले आइए। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसमें विशेष केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार लगाइए और सालों साल इसमें से फ्लावरिंग लेते रहिए।